स्वमान, मैं मास्टर बीज रूप हूं। चिंतन, हम ब्राह्मणों का सदा यही लक्ष्य रहता है कि हम स्व उन्नति के शिखर पर चढ़ें। हमारे स्वप्न में भी यही संकल्प रहता है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी दृष्टि एवं वृत्ति में रूहानियत निरंतर बनी रहेगी। यज्ञ की स्थापना से लेकर आज दिन तक बाबा मुरली में यह एक बात प्रतिदिन पक्की कराते रहते हैं कि बच्चे, स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। वास्तव में यही सारे ज्ञान का सार है। अतः यह अभ्यास मुझे अभी से ही दृढ़ता पूर्वक करना होगा। अभ्यास, इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा हीरे के समान चमक रही हूं। अब शरीर से निकलकर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम की ओर जा रही हूं। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा से विदाई ले मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश करती हूं। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मेरे अंग अंग से निकल पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हुए ये किरणें अनवरत रूप से दूर दूर तक फैलती जा रही है। प्रयोग, किसी भी मानसिक या शारीरिक कष्ट के समय अथवा किसी भी विघ्न के समय यह अभ्यास अवश्य करें। ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है एवं सुरक्षा का अनुभव कराता है। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा हीरे के समान चमक रही हूँ। अब शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा से विदाई ले मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मेरे अंग अंग से निकल पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हुए ये किरणें अनवरत रूप से दूर दूर तक फैलती जा रही है।